बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मार्च 2022 का रूहानी ऑपरेशन। आप परेशान हैं, साल हर साल से बीमार हैं, या आपका कोई अजीज ज़िंदगी से आजीज और ख़ुदकशी करने पर मजबूर है, कारोबार की बंदिश है, या घरेलू उलझने झगड़े बाद तलाक तक पहुँच चुकी है। घबराइए मत, इस माँ की ये मकबूल गलियाँ आपके लिए खुशियों और खुशहालियाँ बरकत का पैगाम लाई है। इस माह की रूहानी महफिल 11 मार्च बरोज़ जुम्मा असर त मगरिब, 20 मार्च बरोज़ इतवार रात 9:13 से लेकर 10:07 तक, 28 मार्च बरोज़ पीर सुबह 11:19 से लेकर 12:07 तक, या अरहमर राहिमीन पढ़ें। ये जिक्र बकारी बंद गहलों से दिल दर्द दिल तवज्जो और इस यकीन के साथ ये मेरा रब मेरी फरियाद सुन रहा है, 100% कबूल कर रहा है। पानी का गिलास सामने रखें और इस तसव्वुर के साथ पढ़ें कि आसमान से हल्की पीली रोशनी आपके दिल पर हल्की बारिश की तरह बरस रही है और दिल को सुकून चैन नसीब हो रहा है और मुश्किलात पूरी हल हो रही हैं। वक्त पूरा होने के बाद दिलो जान से पूरी उम्मत आलिम इस्लाम और गैर मुस्लिमों के ईमान के लिए पूरी दुनिया में अमन की दुआ अपने लिए और अपने अजीज़ व करीब के लिए दुआ करें। पूरे यकीन के साथ दुआ करें, हर जायज़ दुआ कबूल करना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। दुआ के बाद पानी पर 3 बार दम करके पानी खुद पिए, घर वालों को भी पिला सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम जायज़ मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। हर महफिल के बाद 20 रुपये सदका ज़रूर करें। नोट, रूहानी महफिल के दरमियान अगर नमाज का वक्त आ जाए तो पहले नमाज अदा की जाए और बकिया वक्त नमाज के पूरा किया जाए। अगर इसी वक्त ये वजीफ़ा रोज़ाना कर लें तो इजाज़त है, मुस्तकिल भी करना चाहें तो मामूल बना सकते हैं। हर महीने का वर्द मुख्तलिफ होता है और खास वक्त के तयन के साथ होता है। बेशुमार लोगों की मुरादें पूरी हुई, नामुमकिन मुमकिन हुई, फिर लोगों ने अपनी मुरादें पूरी होने पर हथौत लिखे, आप भी मुराद पूरी होने पर हाथ लिखे। एडिटर, रूहानी महफिल मरकज़ रूहानियत अमन में इज्तमाई नहीं होती बल्कि हर फर्द अपने मुकाम पर रहते हुए करे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मुराकबे की तरफ। मार्च 2022 का ये मुराकबा है। मुराकबा पूरी दुनिया में माना हुआ इलाज। मुराकबा के चंद का मलाक खुलेंगे तो हैरत का अनोखा जहाँ और मुश्किल के 100% हल खुद आपको हैरत ज़्यादा कर देगा। मुराकबा दौरे जदीद की तमाम जिद्दी बीमारियों का आजमूदा इलाज है, खासतौर पर टेंशन, डिप्रेशन, जहनी जिस्मानी खिंचाव, नींद की कमी का पूरी दुनिया में माना हुआ इलाज है। बड़े बड़े माहिर नफ्सियात इन तमाम बीमारियों का इलाज मुराकबा से ही कर रहे हैं। जदीद साइंस आज इसे अमराज का यकीनी इलाज करार दे रही है। मजीद मेडिटेशन यानी मुराकबा असल से रूहानियत की तरक्की और मुश्किलात के हल का इलाज रहा है। हज़ारों तजुर्बात के बाद अब क्रिकेटकारीन के लिए मुराकबे से इलाज पेशे खिदमत है। सोते वक्त अगर बावजूद पाक सोएं तो सबसे बेहतर, वरना किसी भी हालत में सिर्फ 10 मिनट बिस्तर पर बैठ कर लातदाद मसलसल सलाम उन कौलम रब्बिर्रहीम पढ़ें और अव्वल वाहिर 3 बार रोशे पढ़ें, फिर लेट जाएं। जिस मर्ज़ का हाथमा या उलझन का हल चाहते हों, इसको जहन में रख कर ये तसव्वुर करें कि आसमान से सुनहरे रंग की रोशनी मेरे सर से पूरे वजूद में दाखिल होकर इस मर्ज़ को हतम या उलझन को हल कर रही है और इस वजीफे की बरकत से मैं 100% इस परेशानी से निकल गई हूँ। यहाँ तक के तसव्वुर दोहराते दोहराते नींद आ जाए। शुरू में तसव्वुर बनाते हुए आपको मुश्किल होगी लेकिन बाद में आप जब इसके कमलात खोलेंगे तो हैरत का नौका जहाँ और मुश्किल का 100% हल खुद आपको हैरत ज़दा कर देगा। मुराकबे के तजर्बात लिखना बिल्कुल मकबूल है। तो फ्रेंड्स, ये था मार्च का मुराकबा और रूहानी ऑपरेशन। आप ज़रूर इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम।